Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already are addicted to. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज सबसे पहले मैं उठी हूँ सुबह और अभी ये लोग सो ही रहे हैं क्योंकि ये संडे का व्लॉग है। तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय और उसके साथ ये जो छोटे वाले रस्क होते हैं ना, ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने ये निकाल लिए हैं कि अब मैं खाऊँगी। तकरीबन 7-7:30 बजे का ये टाइम है सुबह का। तो बच्चों की छुट्टी हो या कुछ भी हो, तो मेरा तो टाइम यही है कि मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, फिर मुझे ज़ाहिर सोना नहीं होता, मैं अपने दूसरे काम शुरू कर देती हूँ। तो बस आज मैं ये नाश्ता कर लूँगी अपना, बस इसी का। इसके बाद फिर ये देखिए, मैं छत पर जा रही थी तो हमारे छत पर ये पॉट रखा हुआ है हमारा प्लांट का। इतने प्यारे ये फूल आते हैं इसके अंदर लुनिया के, और अभी खिले नहीं हैं। अभी जैसे जैसे धूप आएगी ना, वैसे वैसे ये खिलते रहेंगे फूल। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की बोतल में मिनी प्लांट लगाई हुई है। जैसे ये ग्रो कर जाएगी, मैं इसे और भी बॉटल्स में, कांच की बोतल्स में करूँगी। बस मैंने कहा चलो छत पर चलते हैं। देखिए साथ साथ ये हमारी जो है ना केट भी जा रही हैं हमारे। बस छत पर इतना अच्छा लग रहा था सुबह का ये टाइम। एक तो सर्दियाँ हो रही हैं आजकल, तो सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है छत के ऊपर। हर तरफ ओस वगैरह भी गिर रही होती है तो बड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा होता है, बड़ा ख़ूबसूरत माहौल होता है। तो सुबह के टाइम को का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही होता है। Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it. आजकल जो है सर्दियों की वजह से प्लांट भी हमारे जो है ना काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में आधे से ज़्यादा जो प्लांट होते हैं वो जल जाते हैं। तो सर्दियों में ये होता है कि अच्छा मौसम होता है, ठंडक भी मिलती है, इनको धूप भी अच्छी मिल रही होती है छत पर, तो प्लांट जो है वो ग्रो भी अच्छी करते हैं। लगाऊँगी आगे भी इंशाल्लाह, आइंदा अच्छे अच्छे से प्लांट लगाऊँगी और ज़्यादा। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड उठ गए, उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने पराठे वगैरह तो बना लिए हैं, चाय भी बनने के लिए रख दी है, अब इनके लिए आमलेट बनाऊँगी। इस तरह का आमलेट जो बनाती हूँ ना मैं, ये वेजिटेबल्स वगैरह डालकर काफ़ी शौक से खाते हैं, और सुबह नाश्ते में अक्सर ये होता है कि यही वाला आमलेट खाते हैं। Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. बस यहाँ पर इनका नाश्ता वगैरह बिल्कुल तैयार हो चुका है, चाय भी बन गई, पराठे भी, आमलेट भी मैंने बना लिया। अब मैं इनको नाश्ता दे आऊँगी और ये अपना नाश्ता वगैरह कर लेंगे, तो फिर हम अपने बाकी के काम शुरू करेंगे। अभी आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और आज यहाँ पर ना ये मैं स्प्रिंग जो चिप्स होती है, आजकल काफ़ी वायरल हुई हुई है, वो मैं बना रही थी। तो
तो बस ट्राई कर रही थी। बच्ची जो थी ना मेरी, बड़ी फरहीन जो है ना, बड़ी जिद कर रही थी कि मम्मा ये वाली बनाएं, ये चिप्स बनाएं। तो मैं फिर मैंने ट्राई कर रही थी कि घर के अंदर छुरी की मदद से हम किस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो खैर मैंने कटिंग की, काफ़ी अच्छी कटिंग हो गई, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो आएंगी ना मेरी दूसरी, उनमें किसी भी दिन ना मैं आपके साथ इसकी एक मुकम्मल, जैसे इसका एक चीज़ी सा जो सॉस बनता है, उसके साथ एक बहुत अच्छी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर खैर मैंने ये बनाई है स्प्रिंग जो चिप्स से बनाई है, बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। और शेप तो इनकी इतनी अच्छी लगती है कि बच्चे तो बहुत ही दीवाने हो गए। बस उनको अब यही वाली चाहिए होती है। जब से मैंने ये बनानी शुरू की है ना घर में, 2 से 3 बार मैं इनको मुस्तकिल रोज़ बना के दे रही हूँ। छोटी वाली जो फरहीन है ना, उनको तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये। अभी इसका मैंने कोई भी सॉस वगैरह नहीं बनाया था, बस मेरे पास जो भी केचप या मायोनीज़ वगैरह रखा था ना, थोड़ा सा चाट मसाला या टिक्का मसाला जो भी रखा था, वो मैंने इस पर थोड़ा सा डाल दिया था। और इसके साथ मैंने केचप और मायोनीज़ वगैरह डाला और बच्ची ने बड़े शौक़ से खाया। बस बच्चे शौक से खा लें तो हमें भी यही अच्छा लगता है, वही चीज़ अच्छी लगती है जो बच्चे शौक से खाते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना तो मुश्किल से खाते हैं, इस तरह की चीज़ों पर उनकी ज़्यादा जो होता है ना जोर होता है। फ्राइज़ दे दें या कुछ भी इस तरह की चीज़ें बना के दें तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर भी यही था, फरहीन ने बहुत शौक से खाई थी और मेरी मेहनत जो थी ना वो वसूल हो गई थी। खैर काफ़ी अच्छे भी बने थे ये। Even if it was, we'd just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं पाए का सालन के लिए, हड्डियों का सालन के लिए वो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले से ही सूप तो बनाकर एक तरफ रख लिया है और दूसरे फ्राई पैन में, ये बड़ा ही आसान तरीका है पाए बनाने का और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपनी हर रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया, क्योंकि जो पाए का सालन हो उसमें ऑयल तो पहले से ही उसकी चिकनाई मौजूद होती है। तो उसमें 2 चाय के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, 1 चाय का चम्मच जो है पीसी हुई लाल मिर्च डाली थी, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच जो है धनिया पाउडर डाला था, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था, और नमक तो अपने हिसाब से डालें। बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके ना इसे अच्छी तरह से भूना है, और 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने के बाद जो है फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, इसे पाए के सालन में शामिल करूँगी। यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने सूप बना कर रखा था ना, इसे मैंने पहले भी अपने चैनल पर बनाया है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मुज़बानी बता देती हूँ अभी, क्योंकि देखिए ये पोटली है ना, इसे मैंने धनिया, साबुत धनिया और सौंफ डालकर इसे बांध लिया था सफ़ेद मलमल के कपड़े में, और वो इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दिया था, प्याज की जो एक गिरा होती है वो डाल दी थी, लहसुन और अदरक साबुत, जैसे लहसुन का भी एक गिरा जो है वो साबुत डाल दी थी, और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी काट कर, नमक डाल दिया था। बस इस तरह से इसका सूप बन गया था। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है इस तरह से सूप बनाने में, और पाए भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। फिर पतीले को ना तकरीबन मैंने आधे से ज़्यादा जो है पानी से फिल कर दिया था, जैसे ही उबाल आया चूल्हा हल्का कर दिया और गलने के लिए छोड़ दिया। बस हमारा सूप बनकर तैयार हो गया, हमारी हड्डियाँ या ये पाए जो भी हैं वो गल गए। तो और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जो मसाला भुना था ना, अब पाए के गलने, ये सूप के बनने के बाद ये सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और फिर इसे थोड़ा सा चलाऊँगी, और जब ये हो जाएगा ना तो इस पर मैं प्याज जो है वो लाल कीवी, मेरे पास प्याज रखी है उसका चूरा कर लूँगी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस जैसे ही प्याज हमारी हल हो जाएगी, हमारा जो मसाला है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो हमारे पाए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we'd just mess it up, 'cause we already lost.
make it hard, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just